नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपा अग्रवाल, फाउंडर कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्री क्लिनिक। मैंने PhD किया न्यूट्रिशन में एंड 10 ईयर्स से अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ हैदराबाद में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार ओबेसिटी यानी कि मोटापन हमारे लाइफस्टाइल, हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है और इसका क्या उपाय हो सकता है डाइट एंड एक्सरसाइज के ज़रिए। खाना हर जने को ज़रूरी है, काम करने के लिए, एनर्जी बिल्ड करने के लिए, अच्छी नींद आने के लिए। पर क्या होता है, जब आप एक्सेस खाने लगते हो तो जितना एक्स्ट्रा कैलरी आप दिन भर में लेते हो उतना ही इम्पैक्ट आपके ओवरऑल वेट पे होने लगता है। ये कहा जाता है कि 100 कैलरी एक्स्ट्रा भी आप दिन भर में लो तो साल भर में 5 kg वज़न बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो खाना को एक एडिक्शन नहीं बनाना है, खाना तभी खाना है जब हमें भूख लगती है, और बीच बीच में अननेसेसरी ऑप्शंस, स्नैकिंग, जंक फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब हम खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी हम ट्रैवलिंग में हैं तो एक्सेस खाते हैं। इन सब चीज़ों के जो इम्पैक्ट हैं वेट पे वो बहुत वास्ट है। मोटापे के कारण शुगर, BP, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैट में चिकना जमना, गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना, घुटनों में दर्द होना, बैक पेन होना, यंग लेडीज़ में इनफर्टिलिटी होना, ये सब चीज़ें मोटापे के कारण होता है। यदि हम मोटापे को इम्प्रूव कर सकें, यानी कि वज़न कम करके यदि हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें तो इन सब चीज़ों को हम दूर रख सकते हैं। हैदराबाद में कहा जाता है कि 20% लोग मोटापा और डायबिटीज़ के शिकार है, बिकॉज ज़्यादातर हम राइस खाते हैं, बिरयानी ईटर्स हैं। तो इसे यदि हमें ठीक करना है तो हमें सबसे पहले डाइट इम्प्रूव करना होगा। डाइट के 3 ही प्रिंसिपल्स होते हैं। एक प्रिंसिपल है द क्वालिटी ऑफ फूड दैट यू ईट, मतलब हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और किस इंटरवल पे और किस टाइमिंग्स पे खाते हैं। जब हम कहते हैं कि टाइमिंग्स इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हर जने का उठने का और सोने का टाइम अलग अलग होता है, पर ज़्यादातर इसको अपने यूनिवर्स के सर्कैडियन रिदम से मैच कीजिए ताकि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे बॉडी का जो क्लॉक है, वो यूनिवर्स के क्लॉक से मैच हो सके। तो जल्दी उठिए और जल्दी सोइए ताकि खाने का भी परहेज उसी हिसाब से रख सको। ये कहा जाता है कि सोने से लेकर उठने तक का एटलीस्ट 14 घंटे का गैप होना चाहिए खाने पर, और उठने के बाद 3 घंटे बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के 4 से 4.5 घंटे के बाद आप लंच कर सकते हो, और लंच और डिनर के बीच में भी 4 से 4.5 घंटे का गैप हो सकता है। यदि आप बीच में मिड मॉर्निंग यानी कि ब्रेकफास्ट और लंच और लंच और डिनर के बीच में एक छोटा इंटरवल लेना चाहते हैं, छोटा एक स्नैक लेना चाहते हैं जो कि हेल्दी है, वो आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने से, स्मॉल इंटरवल पर खाने से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो अच्छा होता है, और इससे आप जो खाएंगे, जो एक्टिविटी आप करोगे उससे आपका वज़न बराबर रहेगा और वज़न पुट ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि क्या खाना और कितना खाना। उतना ही खाइए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो हमेशा एक प्लेट, कटोरी, ग्लास, चमची वैसा यूज़ कीजिए ताकि जो भी आपको बताया जाता है उसको आप पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। यदि आप समय के साथ जैसे जैसे हर चीज़ बढ़ते जा रही है वैसे वैसे हम अपने पोर्शंस को भी इंक्रीज़ करें तो डेफिनेटली हमारा इम्पैक्ट वेट पे होता है। क्या खाना, खाने में हम सिंपल एक फूड पिरामिड जो कि एक बैलेंस डाइट के बारे में कहा जाता है उसको हम हमारे क्लाइंट्स को एक प्लान के रूप में देते हैं। आपको मालूम होगा कि वाटर भी बहुत एसेंशियल एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास डेली पीजिए ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो, वाटर रिटेंशन नहीं हो और आपका हर ऑर्गन बराबर फंक्शन कर सके। उसके बाद 4 से 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए जो कि लोकली, सीजनली आपके एरिया के हिसाब से मिले। एटलीस्ट 2 फ्रूट और 3 वेजिटेबल्स का इस्तेमाल डेली कीजिए। नेक्स्ट कहा जाता है कि सीरियल्स एंड पल्सेस, एटलीस्ट 2 सीरियल्स यानी कि 2 ग्रेन्स, चाहे वो वीट हो, राइस हो, मिलेट्स हो, जवार, रागी, बाजरा या कोई भी और मिलेट हो, एटलीस्ट 2 सर्विंग्स उसका इस्तेमाल करना चाहिए दिन भर में, और एटलीस्ट 2 सर्विंग्स ऑफ पल्सेस, पल्सेस यानी कि दाल या चने, छोले, राजमा, लोबिया वगैरह। जब हम एक सर्विंग की बात कहते हैं तो वो 1 सर्विंग इज़ 150 ml कप,
तो जो हमारी चाय की कप होती है वो एक सर्विंग का मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट, हम दूध और दूध के आइटम्स को कितना इस्तेमाल करें। एज एन अडल्ट 400 ml ऑफ मिल्क और उसके कोई भी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि यदि आप एक ग्लास दूध पीते हैं तो एक ग्लास दही आप डेफिनेटली दिन भर में इस्तेमाल कर सकते हो। नॉन वेज कितना खाना, चिकन, फिश, प्रॉन्स आप हफ्ते में एक दो दिन खा सकते हैं इफ़ यू आर एन अडल्ट विदाउट फ्राइंग, हैव इट इन अ ग्रेवी फॉर्म एंड मोस्टली ट्राई टू हैव इट एट लंच टाइम ताकि ये बेटर डाइजेस्ट हो और ब्लोटिंग गैस वगैरह ना हो। मटन का इस्तेमाल आप कम यूज़ करो बिकॉज मटन रेड मीट में बहुत सारे नाइट्रेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अंडा आप आराम से दिन भर में दो अंडे खा सकते हो, पर प्राय एग वाइट्स खाइए, योग खाना है तो हफ्ते में एक दो दिन खाइए। लाइकवाइज द लास्ट ग्रुप ऑन द पिरामिड इज शुगर एंड शुगर कंटेनिंग ऑयल एंड शुगर एंड शुगर कंटेनिंग फूड्स एंड ऑयल्स। तो शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं करें तो ये अच्छा रहता है बिकॉज शक्कर इज़ अ वाइट कॉम्पोनेंट एंड ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन लाता है। यदि आप शक्कर के बदले में गुड़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हनी इस्तेमाल करना चाहते हैं, खनशरी शुगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हो। वाइट शुगर आप अवॉइड कीजिए। तेल कितना इस्तेमाल करना, दिन भर में 15 ml पर पर्सन पर डे इस्तेमाल होना चाहिए। यदि तेल के बदले में आप घी इस्तेमाल करना चाहते हो तो घी का भी उपयोग आप अपने डेली डाइट में कर सकते हो, कुकिंग में कर सकते हो। कौन सा तेल सबसे बेस्ट रहता है, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स जिसमें आप सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सीसमी ऑयल, ये ऑयल्स आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। हमेशा कोशिश यही रखिए कि महीने में एटलीस्ट 2-3 वैरायटी ऑफ तेल आप इस्तेमाल करो बिकॉज ब्लेंडेड ऑयल यूज़ करने से आपके बॉडी को सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं जो आपके बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे। तो ये हो गया हमारे फूड पिरामिड के बारे में और इसका संतुलन यदि आप फॉलो करो डाइट में, रेगुलर रूटीन में, तो आपका वज़न बराबर रहेगा और वज़न बढ़ेगा नहीं। कितना वज़न हम महीने में घटा सकते हैं, रिसर्च के अनुसार 0.5 से 1.25 kg हफ्ते का आप आराम से घटा सकते हो, कि यानी कि महीने के 3 से 4 kg यदि आप वज़न घटाओ तो वो बहुत ही साइंटिफिक है। पर आप यदि एक्सेसिव वेट लॉस करना चाहते हैं जैसे 8-10-12 kg महीने का, तो वो हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड नहीं करते बिकॉज एक्सेसिव एग्रेसिव वेट लॉस करने से हमारे हर ऑर्गन को इम्पैक्ट गिरता है, यानी कि आपकी किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे, ब्रेन पे, सब पे इम्पैक्ट गिरता है और ये डेफिनेटली नुकसानदायक हो सकता है। कई लोगों में गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बन जाते हैं, फैटी लिवर हो जाता है। तो इसलिए वेट लॉस जब करना है तो 2 से 3 kg मैक्स 4 kg आप महीने का टारगेट रखिए ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जितना एक्सेस बॉडी वेट है आप घटाओ और फिर मेंटेन करो यूजिंग द डाइटरी प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी, क्वान्टिटी एंड टाइमिंग्स। डाइट 90% ज़रूरी होता है, 10% वुड बी एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस। एक्सरसाइज भी बहुत एक्सेसिव नहीं करना चाहिए, 0.5 से 1.25 घंटा यदि आप एक्सरसाइज करते हो दिन भर में, एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, या चाहे आप वॉकिंग जाओ या स्विमिंग करो या जॉगिंग करो या रनिंग करो, पलाटे, जुम्बा, जिम, ये आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। एटलीस्ट 5 to 6 days ऑफ एक्सरसाइज इज गुड फॉर एनीबॉडी एट एनी एज। स्ट्रेस यदि बहुत होता है बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस या प्रोफेशनल पर्सनल स्ट्रेस एनीथिंग, प्लीज़ ट्राई टू टेक चार्ज ऑफ दैट बिकॉज ज़्यादा स्ट्रेस होने से बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी में जिसका नुकसान हो सकता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए प्लीज़ ज्वाइन सम एक्टिविटीज़ जो आपके इंटरेस्ट का हो, डू योगा, डू मेडिटेशन, ताकि यू काम योर माइंड एंड बॉडी बोथ। स्लीप इज़ ऑल्सो एन इक्वल इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन अ गुड बैलेंस ऑफ योर बॉडी। 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद होना बहुत ज़रूरी है और यदि आप 6 से 7 घंटा सोते हो फिर भी आप फ्रेश नहीं फील करते हो तो मतलब आपकी नींद बराबर नहीं हुई है। सो प्लीज़ डी स्ट्रेस बिफोर यू स्लीप, डू नॉट वॉच गैजेट्स, यूज टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, आईपैड्स, लैपटॉप्स, 1 से 2 घंटे पहले ही इसको बंद कीजिए सोने के पहले ताकि आपका माइंड भी काम डाउन हो और आपको अच्छी नींद आ सके। तो यदि आप ये 4 pillars ऑफ हेल्थ यानी कि डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप एंड स्ट्रेस एक कम्बाइंड वे में फॉलो करो तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल हेल्थ को आता है एंड दिस कैन ब्रिंग यू गुड वेलबींग
एंड गुड लॉन्गिटिविटी. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.